सो वेलकम बैक टू अनदर काउंटडाउन वीडियो। एंड भाई ये जो काउंटडाउन वीडियो है वो हाइस्ट लवर्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज इससे पहले भी हम लोगों ने ऑलरेडी हाइस्ट के ऊपर ही मल्टीपल काउंटडाउन वीडियोस को बना रखा है, बट इस वीडियो में स्पेशल ये है कि हमने वेब सीरीज के साथ ही मूवी सीरीज को भी इंक्लूड करा है, मतलब कि वो मूवी जिनके आप लोग को मल्टीपल पार्ट देखने को मिलते हैं एंड वो आप लोग को स्टोरी वाइज भी काफी तगड़ा लाइक एक्सपीरियंस प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में लोगों ने कमेंट करा था कि वेब सीरीज के साथ ही मूवीज को भी लाइक डालो, जिससे कि वो ऑडियंस भी भाई इस वीडियो को एंजॉय कर पाए जिनको लाइक शॉर्ट टाइम में एक अच्छा कंटेंट देखना पसंद है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा एंड वो सब हाइस्ट एंड क्राइम थ्रिलर से रिलेटेड होने वाला है एंड सारे शोज एंड मूवीज आप लोग को हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। सबको मैंने IMDb के अकॉर्डिंग रैंक कर दिया है, जिससे कि आप लोग को ज्यादा कुछ खास मेहनत ना करनी पड़े। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखो एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे जिस शो को मैंने रखा है उसका नाम है क्लाइडोस्कोप। अब देखो ये जो शो है इसके अंदर आप लोग को प्योर हाइस्ट वाली स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि एक मास्टरमाइंड थीव कैसे एक तगड़ी बिलियन डॉलर की जो चोरी है उसको अंजाम देने के लिए अपना प्लान बनाता है। अब देखो इस शो की जो स्टोरी है ना वो ज्यादा कुछ खास यूनिक नहीं है, आप लोग को एवरेज हाइस्ट वाली स्टोरी इसके अंदर प्रेजेंट करी गई है, लेकिन इस शो का जो यूनिकनेस है वो इसके प्रेजेंटेशन से आप लोग को देखने को मिलेगा, बिकॉज ये एक ऐसा शो है जिसको आप लोग भाई हजारों तरीके से देख सकते हो। मतलब कि पहला एपिसोड देखो, उसके बाद आप चाहो तो चौथा एपिसोड देख लो, मतलब कोई भी ऑर्डर में आप लोग चाहो तो इस शो को देख सकते हो एंड इसके जितने भी ऑर्डर है वो आप लोग को गूगल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार सर्च करना कि हम लोग क्लाइडोस्कोप को किस तरीके से देख सकते हैं, आप लोग को भाई बेस्ट ऑर्डर वहां पे प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। तो अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग इस हाइस्ट वेब सीरीज को किस ऑर्डर में देखना चाहते हो। अब अगर बात करें इस शो के IMDb रेटिंग एंड इसकी डबिंग की, तो आप लोग को जो इसकी डबिंग है बहुत ज्यादा सॉलिड देखने को मिलती है, मेरे को डबिंग में कोई भी इशू नजर नहीं आया था। एंड इसी के साथ ही अगर बात करें इसके IMDb रेटिंग की, तो आप लोग को 6.6 की इसकी IMDb रेटिंग देखने को मिल जाती है एंड इसको 1000 के हिसाब से लोगों ने रेट करा हुआ है। तो आप लोग समझ लो कि हां पब्लिक को जो सीरीज थी वो एवरेज लगी थी एंड आप लोग को अगर हाइस्ट वाली सीरीज देखनी है थोड़ी सी यूनिक तरीके से देन आप लोग इस शो में अपना टाइम दे सकते हो। सो बात करें नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पर आती है भाई एक मूवी सीरीज जिसके अंदर आप लोग को दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे एंड इसका तीसरा पार्ट ऑन द वे है। मूवी का नाम है नाउ यू सी मी एंड अगर आप लोग को भाई हाइस्ट देखनी है वो भी मैजिकल तरीके से देन आई थिंक ये मूवी आप लोग के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकती है। मेरे को इस मूवी का जो पहला पार्ट था वो बहुत ज्यादा सॉलिड लगा था, दूसरे में थोड़े बहुत स्टोरी के इश्यूज हुए थे, बट दूसरा पार्ट भी आप लोग को एक तगड़ी स्टोरी प्रेजेंट कर देता है। तो यस, अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर वाली लाइक मूवीज या फिर सीरीज देखना पसंद करते हो और आप लोग को उसके अंदर थोड़ा सा मैजिकल टच चाहिए देन ये मूवी आप लोग को भाई भरपूर उस चीज का मजा देने वाली है। इस मूवी के अंदर आप लोग को स्टार कास्ट एकदम तगड़ी देखने को मिलती है एंड इसी के साथ अगर बात करें इसके पहले पार्ट की, तो उसको 2013 के अंदर रिलीज करा गया था एंड ऑडियंस की तरफ से भी इस मूवी को भरपूर प्यार मिला था। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो आप लोग को जो इसकी रेटिंग है वो 7.2 की देखने को मिल जाती है एंड अगर बात करें इसके डबिंग की, तो देखो नेटफ्लिक्स के पास इसके हिंदी के राइट्स नहीं है, दैट्स व्हाई उधर आप लोग को ये इंग्लिश लैंग्वेज में एंड हिंदी सबटाइटल्स पे देखने को मिलती है, बट ये आप लोग को टेलीविजन पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग थोड़े से समझदार होगे देन आप लोग डेफिनेटली इसको हिंदी में देख पाओगे एंड यस, इसकी हिंदी डबिंग मेरे को काफी अच्छी लगी थी। सो बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर भी आप लोग को एक मूवी देखने को मिलती है जिसका नाम है लोगन लकी एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है देन आप लोगों ने एक तगड़ी हाइस्ट कॉमेडी ड्रामा को मिस करा हुआ है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप लोग को जो स्टोरी देखने को मिलती है उसके अंदर कॉमेडी एंड हाइस्ट का एक तगड़ा मिक्सचर आप लोग को प्रेजेंट करा गया है। ये जो मूवी है उसको 2017 के अंदर रिलीज करा गया था एंड इसके अंदर आप लोग को अपने बॉन्ड भैया भी देखने को मिलेंगे। अगर बात करें थोड़े से इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर आप लोग को लोगन ब्रदर्स की स्टोरी देखने को मिलेगी जिनकी किस्मत कुछ खास अच्छी रही नहीं है पैसों के मामले में एंड अब वो भाई इस सारी प्रॉब्लम से निकलने का सोचते हैं एक लाइक रेसिंग वर्ल्ड को लूटने के प्लान से। अब ये जो रेसिंग वर्ल्ड को लूटने का प्लान है इसको भाई करने के लिए उनको एक एक्सपर्ट की भी जरूरत है जो कि अभी करंटली जेल में है, तो उसको कैसे लोग बाहर निकालेंगे एंड क्या वो उनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, जो भी क्योस मचेगा इस मूवी के अंदर आप लोग को स्टोरी इन्हीं सबके इर्द गिर्द देखने को मिलेगी एंड ये सही में इसकी जो स्टोरी है आप लोग को तगड़ा मजा देने वाली है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बता सकता हूँ। करंटली ये जो मूवी आप लोग को Amazon Prime के ऊपर देखने को मिलती है एंड यस, इसका हिंदी डब भी आप लोग को उधर ही अवेलेबल करा दिया गया है जो कि काफी ज्यादा सॉलिड है, उसके अंदर मेरे को कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। मूवी के लेंथ आप लोग को 2 घंटे की देखने को मिलते हैं, तो आप लोग आराम से उधर इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। अगर आप लोगों ने मूवी को देख लिया देन आप लोग बताना कि आप लोग को मूवी कैसी लगी एंड अगर आप लोग देखने का प्लान कर रहे हो देन आप लोग डेफिनेटली इसको चेकआउट करो देन आके कमेंट करना कि आप लोग को मूवी कैसी लगी। सो बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर जिस सीरीज को मैंने रखा है उसका नाम है फर्जी एंड ये अभी रिसेंटली Amazon Prime के ऊपर रिलीज हुआ था। इस शो के अंदर आप लोग को लीड रोल में अपने शाहिद कपूर एंड विजय सेतुपति सर देखने को मिलते हैं एंड ये जो शो है वो फॉल करता है हाइस्ट क्राइम थ्रिलर की कैटेगरी में। अब देखो इंडिया के अंदर आप लोग को बहुत कम हाइस्ट क्राइम थ्रिलर वाले तगड़े शोज देखने को मिलेंगे एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप लोग इस शो को देखोगे देन आप लोग को मनी हाइस्ट एंड जो अपना ब्रेकिंग बैड सीरीज थी उसकी याद डेफिनेटली आने वाली है, क्योंकि इस शो के अंदर आप लोग को जो भाई प्लानिंग है वो एकदम ब्रेकिंग बैड जैसी देखने को मिलती है, जिसमें आप लोग को नोटों की प्रिंटिंग है वो मनी हाइस्ट जैसी देखने को मिलती है एंड कहीं ना कहीं बीच में आप लोग को लगेगा कि यस आप लोग कहीं दोनों सीरीज का एक मिक्सचर देख रहे हो एंड
टू बी ऑनेस्ट स्टोरी बाय राजन डीके ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को प्रेजेंट करी है। तो अगर आप लोग को एक तगड़ा क्राइम थ्रिलर इंडियन ड्रामा देखना है देन आप लोग इस शो को चेकआउट करना। इसमें आप लोग को टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसका आप लोग को सीजन 2 भी देखने को मिलेगा। बात करें इस शो के IMDb रेटिंग की तो आप लोग को 8.4 की देखने को मिलती है एंड इस शो को ऑडियंस की तरफ से काफी तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था एंड उसी का रीजन है कि भाई Amazon Prime ने भी इस शो को हरी झंडी दे दी है इसके अगले सीजन के लिए। सो बात करें नंबर 1 की तो नंबर 1 पर जिस शो को मैंने रखा है, पहले तो मैंने सोचा था कि इसको भाई रखूं या ना रखूं बिकॉज शो हाइस्ट के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करके बनाना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ ये जो शो है वो भाई क्राइम थ्रिलर की कैटेगरी में फॉल होता है एंड मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने इस शो को नहीं देखा है देन आप लोग भाई डेफिनेटली एक तगड़ी सीरीज मिस कर रहे हो। शो का नाम है मिस्टर रोबोट एंड ये जो शो है उसके अंदर आप लोग को हैकिंग की एक ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जो आपने शायद अभी से पहले किसी भी शो में अच्छे से नहीं देखी है। ये जो शो है उसको 2015 के अंदर रिलीज करा गया था एंड अभी तक इसके आप लोग को टोटल 4 सीजन देखने को मिल जाते हैं जिनके अंदर आप लोग को टोटल 45 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि आप लोग को ये शो हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है एंड करंटली ये शो आप लोग को Amazon Prime के ऊपर देखने को मिलेगा एंड हिंदी डबिंग इस शो की बहुत अच्छी तरीके से करी गई है। अब देखो इस शो की जो स्टोरी है वो एलिट नाम के एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करती है जो कि काइंड ऑफ आप लोग को देखने में लगेगा कि मेंटली इल है लेकिन उसके पास जो टैलेंट है वो शायद किसी के पास नहीं है। वो जो इंसान है वो हैकिंग के मामले में इतना ज्यादा लाइक प्रो है कि उसने लाइक ऑलमोस्ट सभी के अकाउंट हैक कर रखे हैं जिसको भी वो जानता है। अब देखो उसकी सबसे तगड़ी जो लाइक राइवलरी है वो ईकॉप नाम की कंपनी से है। अब वो किस वजह से है वो तो आप लोग जब इस शो को देखोगे देन आप लोग को चीजें पता ही चल जाएंगी। बट यस अगर आप लोग को हाइस्ट क्राइम थ्रिलर हैकिंग वाले शोज देखना पसंद है देन आप लोग को डेफिनेटली ये शो पसंद आने वाला है। स्टार्टिंग में शो जो है थोड़ा लाइक स्लो पेसिंग में चलता है लेकिन धीरे धीरे जब ये भाई अपनी स्टोरी को कैचअप करता है देन आप लोग को पता चलेगा कि हाँ भाई मेकर्स ने बहुत कुछ है जिसको अभी तक छुपा रखा था। तो आप लोग डेफिनेटली शो को चेकआउट करना। बात करें इस शो की IMDb रेटिंग की तो आप लोग को जो इसकी रेटिंग है वो 8.5 की देखने को मिलती है एंड जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ऑडियंस की तरफ से इस शो को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था एंड इसी वजह से इसके 4 सीजन आए भी थे। इंडिया के अंदर मेरे को लगता है कि ये शो काफी ज्यादा अंडररेटेड रहा है तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस शो को नहीं देखा है देन आप लोग प्राइम वीडियो पर डेफिनेटली इस शो को चेकआउट कर सकते हो। अब देखो वीडियो के एंड में अगर मैं आप लोग को एक बोनस लाइक मूवी सीरीज बताना चाहूं तो उसका नाम है ओशियंस। इसके आप लोग को टोटल 4 पार्ट देखने को मिल जाते हैं 11, 12, 13 एंड 8 एंड सही बता रहे हैं इसके अंदर आप लोग को जो स्टोरी देखने को मिलेगी ना उसको देखने के बाद आप लोग को डेफिनेटली मनी हाइस्ट वाली वाइब आने वाली है। इसको मैंने काउंटडाउन के अंदर इसलिए नहीं डाला बिकॉज ये आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलती है। बट यस अगर आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज चलती है देन आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चेकआउट करना क्योंकि इसके जितने भी पार्ट हैं उसके अंदर आप लोग को एक तगड़ी स्टोरी प्रेजेंट करने की मेकर्स ने कोशिश करी है। तो अगर आप लोग को भाई एक अच्छी स्टोरी में लाइक फिल्म सीरीज देखनी है देन आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से हाइस्ट लवर का तो ये मूवी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाली है। सो यही कुछ भाई मूवीज एंड शोज थे जिनको मैंने इस बार की वीडियो में इंक्लूड करा है। इनके अलावा और भी काफी सारे मल्टीपल हाइस्ट एंड क्राइम थ्रिलर वाले शोज हैं जो कि मैं आप लोग को आने वाले टाइम में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे काउंटडाउन वीडियोस को बना रखा है तो उसको आप लोग डेफिनेटली आई बटन में लाइक क्लिक करके चेक कर सकते हो। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है देन आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।